अस्सलाम वालेकुम सर, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जैम दास। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत से बहुत परेशानी होती है। नहीं, वो यहाँ पर बहुत सर्दी है और एकदम बर्फ है, तो थोड़ा सा जी सर्दी हो गई थी। फ्लू फ्लू हो गया था, शदीद किस्म का। इंडिया में भी बहुत सर्दी है सुना। हाँ, सर्दी है यहाँ भी, मगर अब जरा एक 4 दिन से थोड़ा हाथ रखे जैसा है। यहाँ पर तो बहुत सर्दी है, बस अल्लाह आपको सरपरस्ती सब कुछ सर्द है। चलिए इंशाअल्लाह। हमारी शक्ल कायम रखे, आमीन। अच्छी बात है, ये स्क्रीन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी 1 मिनट है। एक मिनट है, लोग अभी परेशान है सर्दी से। एक और 1-2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इंटरनेट भी वीक आ रहा है सर, मैं आज हर तरफ। सात आदमी तो आ चुके हैं, 8 हो गए। एलएस का कोई नहीं है इसमें। डेलस वालों के पास ज्यादा खराब है मौसम। जी सर, यहाँ सर है ना यहाँ पर बहुत ठंडी है, ठंडी बहुत है। सलाम वालेकुम। डेलस में? जी, ठंडी है बहुत, स्नो था सुबह में और अभी थोड़ा। अच्छा, जी जैसे रात होती तो ठंडी हो जाती बिल्कुल। डेलस में है या नहीं है? डेलर के सर मैं भी डायलिस में हूँ, फ्रिस्को में, लेकिन हाईवेज वगैरह बने वैसे सही है, सड़कें भी साफ हैं, इंटरनेट भी अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। काफी 9 लोग तो आ चुके हैं माशाल्लाह। चलिए और क्या है उसमें, उन्हें कैसे हो हमारा। सर ठीक है, उसी ने मुझे याद दिलाया, मैं तो भूल ही गई थी, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसका नवासा हुआ है माशाल्लाह, वो भी हॉस्पिटल में है, वो भी अभी तक आईसीयू में है, और उसकी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी हॉस्पिटल में अच्छा, है। मैं उसके पास हूँ तो मैं तो भूल ही गई थी, क्लास भी उसने मुझे याद दिलाई, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ मैरा समहाउ,
वो कह रही है उसका कनेक्शन नहीं आ रहा। या बच्ची के लिए आती भी नहीं फिर वापस? सर वो खुद की हालत ठीक होगी तो आएगी ना। अच्छा, बीमार है। चलिए इंशाल्लाह, चलिए काफी 10-11 लोग तो आ गए हैं। ये हम उनसे आए थे, इसको ब्रीफ करिए थोड़ा उससे जल्दी से। फातिमा क्या कर रहे थे हम? अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम जो ग्रुप कर रहे थे वो बढ़ तो 36 to 43 था, ग्रुप था 36 to 39। फिर हमने जो है 35 में तो हमने ज़्यादा पढ़ा है, 30 आए तो 36 में काफ़ी काम थे जो हकूक थे सबके, 8-10 उसमें हैं, वालदैन से लेके कराबतदार रिश्तेदार, फिर पड़ोसी उनके भी सब मजीद एक्सप्लेनेशन थी सारी, फिर मुसाफिर थे उसमें भी मजीद आपने काफ़ी एक्सप्लेन बताया था हमें। 36 में ये था, 37 में हमने जो है के बारे में पढ़ा था जो बुखल करते हैं और दूसरे लोगों को भी इसका हुक्म देते हैं और छुपाते हैं, जो अल्लाह ने उनको दिया उसे छुपाते हैं। ये कंप्लीट हो गई थी 37। फिर वाला हिस्सा आता दनाल काफरीन अजाब मुहीना में रह गया था, बाकी हो गया था जी। ये बहुत वो शाजिया कर रही थी शायद 120 मील फी घंटे की रफ्तार से चल रहे थे, तो इसको एक बार सुकून से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। शाजिया से लेते हैं, आर यू एबल टू डू इट शाजिया? जी सर। क्या दवाखाने में सर? नहीं सर, मेरा ख्याल आप किसी और से करा लें आज, मेरा थोड़ा सा माइंड सही नहीं वर्क कर रहा। ठीक है चलिए, मैं कर लूं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यबखुलूना, यहाँ तक लेंगे हम इसको, ये इस्मिया खबरिया है और अल्लज़ीना इसका मुब्तदा है और खबर उसकी यबखुलूना है। और यबखुलूना को हम देखेंगे खुलेंगे तो इसमें फेल और फाइल है। वया मरुना नासा बिलबुखली, फिर ये वा इसमें अतफ और मातूफ हो रहा है या मरुना पे। या मरुना में फेल और फाइल है हमारा, इसका या मरुना हमारा इसका रूट वर्ब है। या मरुना नासा फेल फाइल है, नासा इसका मफूल भी ही है। बिलबुखली फिर ये जार मजरूर मुतालखे लेकिन एक गलती करे, क्या गलती करे वो फातिमा बता सकती हैं? अच्छा, मातूफ में इन्होंने क्या गलती की? आपने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। फातिमा क्या इन्होंने गलती की? एक छोटी सी गलती की है की अतफा मातूफ यब खुलूना पे या मुलूना मातूफ हो रहा है, बस उतनी गलती थी। वैसे बाकी आप बिल्कुल फॉर्म पे आ रहे हैं माशाल्लाह, और कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा। ये वो लोगों की मिसाल है जो बकल करते हैं। ठीक है चलिए, आगे का एक टुकड़ा और करिए, कर सकते हैं। यक्तमुना अच्छा तारीफ करते एकदम जो है देख के पढ़ो अच्छा आराम से। यक्तमुना और वा अतफ यक्तुमुना इसमें कतमा इसका रूट वर्ब है। यक्तुमुना और वो छुपाते हैं, फेल फाइल है इसमें। फिर मा आता हुमुल्ला हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी मा यक्तुमुना क्या हो रहा है? यक्तुमुना इसमें फेल और फाइल है। हाँ और क्या हो रहा है?
जी सर, एक तो माना किस अच्छा, हाँ ये भी मातुफोरा पे? या मुरुना, या हाँ मुरुना। ऐसा बिल्कुल, थोड़ा तारीफ करते एकदम। नहीं, माँ आता हूँ मुल्ला हूँ, फिर ये माँ मौसूल है, आता हूँ इसका सिला है, फिर हम इसको माता माँ को हम मफूल भी ही लेंगे इसका। वेरी गुड, सही है। ये आता हूँ में फिर फेल और फाइल है, और ये फिर हूँ इसका मफूल भी ही होगा। आता हूँ ये हूँ इसका मफूल भी ही होगा। क्या बोलेंगे इसको, मफूल भी इसके साथ अटैच हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, कौन सा मफूल? इसको आता हूँ मुजाफ मुजाफिल है बोलेंगे ना, आता हूँ चले गए एकदम ट्रैक से। नहीं, अच्छा मफुल मफुल भी नहीं है सर, ये मसफुल है मफुल भी। सही है भाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं, मगर ऐसा कंफ्यूज हो गए, आड़े टेढ़े बातें करना शुरू करते ना तो सिर्फ ऐसा मालूम होता है एकदम एड्रेशन से जी लोअर कीजिए। मैं आप बहुत अच्छा जी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे मायने कर रहे हैं, तो हम मफूल भी है, लेकिन ये इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है, आता हूँ मैं, सब्जेक्ट कहाँ आया, मफूल का क्या मुकाम है, थोड़ा इसको भी समझाइए। मफूल इसका मकाम सिला तो बोली मैं, सिला मौसूल बोलेंगे। अच्छा हम इसको मुब्तदा और खबर भी लेंगे। हाँ नहीं एक जुमला माँ इसमें चल रहा है, फिर उसमें सारी चीजें ला के डाल दिए तो कचरे की कुंडी बन जाएंगे ना जाके, हमारी ग्रामर कुरान के बारे में तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता। ग्रामर ये आप जुमला इसमें इसमें फेलिया की आप एनालिसिस कर रहे हैं, एक तो मौना में आपने फेल फाइल कहा, मफूल माँ है ये भी कहा आपने, आता हूँ अब सारे नो क्या कर रहे हैं, कुछ बता सकते हो तुम आंसर? था हम फेल फाइल है फिर ये इसका क्या चीज छोड़ जी बिस्मिल्लाह हाँ मफूल मुकद्दम है उसमें। बस अच्छा अरे एक ही चीज। अब जो बहुत ये जी बहुत अच्छा हाँ कर रहे थे, लेकिन चूंकि यह मफूल पहले आ गया तो इसके लिए हम हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुकद्दम, फेल के मुकद्दम बाद फाइल आता है, मफूल आता है, ये सीक्वेंस। लेकिन अगर वो जमीर मुत्तसिल हो, अगर जमीन फेर जमीर फेल के अंदर हो, तो ऐसी सूरत में मफूल मुकद्दम हो जाता है, उसके बाद फाइल आता है। बस ये एक चीज फाइल वही पूछ रहा था कि हम मफूल है, 100% मफूल है, लेकिन आप एक लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मफूल मुकद्दम, मीम खाफ दाल मीम, मुकद्दम, मुकद्दम के माने पहले, यानी मफूल पहले पहले आया। आता हूं का फाइल क्या है? आता हम अल्लाहु, अल्लाह इसका फाइल है फिर एम्प्टी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मिन फजली ही फिर ये जार मजरूर होगा और मुतालिक आता हूँ। और यही के जमीर किधर जा रही है? अल्लाह की तरफ ये मैं पूछा तो बोलना, ऐसा नहीं छोड़ अल्लाह। देना, पहले सब बोल देना। अच्छी बात। वा आतदना लिल काफिरीना, फिर ये वा अत्फ है, आतदना ये फिर फेलिया जुमला है, लिल काफिरीना फेलिया इसमें जुमला है तो उसमें क्या क्या है वो भी बोलना मुमताज। फेल फाइल है, इसमें ना इसका फाइल है, लिल काफिरीना ये जार मजरूर ना होगा। फाइल है, इससे बात नहीं बदले बनेगी, फाइल वाह मीर तब है तो किसी को रिफर कर रहा है वो भी बताना, ना रिफर कर रहा अल्लाह ताला की तरफ। फिर अल्लाह की तरफ, ऐसा सब आप बोलना, मैं नहीं बोलना। अब इस अल्लाह स्टेज की पे तरफ क्लास आ गई है और कि आप लोग हमने खुद इसको हैंडल करना।
आदत नामे फेल फाइल है फाइल ना है ना इज रिफरिंग टू अल्लाह सुबहानहु व तआला पर आदत ना के मायने क्या है हमने तैयार कर रखा है इनके लिए बनाए रखा है चल बहुत अच्छा वेरी अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है कमान लिल काफिरीना फिर ये जार मजरूर है और ये इसकी तरफ मुतालिक है आतद लिल काफिरीना फिर ये मुजाफ मुजाफ इलैह भी होकर इसका मफूल भी बन जाएगा अजाबन लिल काफिरीना जार मजरूर नहीं जार मजरूर मुतालिक है आतद फिर का ये इसका मफूल क्या है वो बीच में है मैं मुजाफ मुजाफ इलैह भी कुछ बोले ना कहाँ है मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं नहीं है नहीं लिल काफिरीना फिर काय को बोले जी अजाबन महीनन फिर ये इसकी सिफत हो जाएगी या फिर हम इसको हाल भी बोल सकते सर अजाबन महीनन उम्र भर नहीं बोलेंगे हाँ तो फिर ये इसका क्या सिफत है उसमें अजाबन क्या है अजाब अजाबन इसका मफूल हो जाएगा किसका इसका बोले तो किसका मेरा मफूल हो जाएगा आपका नहीं, नहीं। आतदना का फिर ऐसा मुझे इतना सता सता के क्यों बोलते तुम सता सता को बीमार कर दे रहे हैं अजाबन आप तो सताने से नहीं हो रहे हैं सर्दी से हो रहे आप इतना चाहे सता सकते हैं मगर भगत सताए के मालूम है सब लेकिन बोलते नहीं वेरी गुड हाँ वही अजाबन क्या है अजाबन मफूल मफूल है फिर ये महीना नहीं इसका सानी हो जाएगा ये फिर जलील क्या हो जाएगा मफूल सानी होगा मफूल भी हिस्सा अजाबन महीना सिफत हो जाएगी इसकी हाँ फिर मफूल का सौता महीनन महीनन सिफत हो जाएगी इसकी और हमने तैयार कर रखा है लिल काफिरीना काफिरों के लिए अजाब और जलील करने वाला अब ये बहुत अच्छा किया आपने एक बार पूरा ट्रांसलेशन नजीबा करो पूरा ट्रांसलेशन करो इसका नजीबा सुकून से कोई गलती नहीं होना जैसा यहाँ है वैसा तर्जुमा करो किसकी बात हो रही है क्या हुक्म है ना उसमें क्या है बगैर ग्रामर के सिर्फ तर्जुमा करके बताओ अच्छी बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यफ़क़लूना वो लोग जो बुख़ल करते हैं वो यामरूना नासा और हुक्म देते हैं लोगों को बिल बुख़ली बखालत की वो यक्तुमूना और छुपाते हैं मा आताहुमुल्लाह जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है मिन फजल ही अपने फजल से वो आतदना और ये तो रिवायत यहाँ तक बहुत अच्छा किया लेकिन आताहुमल्ला ये रिवायती तर्जुमा कर दिया रिवायती तर्जुमा जैसा किताब में होता है यहाँ कैसा है वैसा तर्जुमा करो अच्छा बा आताहुमल्लाह जो कुछ उनको दिया है अल्लाह ने मिन फजली ही अपने फजल से वो आतदना और हमने तैयार कर रखा है लिल काफिरीना काफिरों के लिए अजाबन मुहीना ऐसा अजाब जो जिल्लत वाला है या रुस्वा कुन है वेरी गुड वेरी गुड चलिए अब इसमें सर एक बात पूछना था आतदना का रूट वर्ड आतदना आईदा अलीफ एन दाल है ना आतदना नहीं नहीं क्या है वो रूट वर्ड क्या है फातिमा इसका रूट वर्ड क्या है सर आईन दाल होगा आता दा
बहुत अच्छा। अच्छा यहाँ पर एक चीज थी कि आता हूँ अल्लाह में फातिमा ने सवाल किया था, अब उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं अल्लाह ने दिया है, क्या ये सिर्फ पैसे के लिए है यही सवाल किया था ना, या और भी चीजें हैं। वो हम सूरह बकरा के बिल्कुल इब्तदाई दूसरी आयत में मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून वहाँ पर हम बहुत तफसील से बात कर रहे थे, वहाँ रज़क़नाहुम में क्या चीज है, सिर्फ माल और रिस्क की बात है, क्या क्या चीज है फातिमा बताइए। सर रिस्क की बात होती है तो रिस्क में हर चीज कवर होती है, उसमें सेहत भी आती है, इज्जत भी आती है, औलाद भी होती है सर, इस तरह से लेके काफी चीजें हो जाती हैं उसमें से उससे उसको उसको काम में लाना, उसको दूसरों के लिए अपने लिए और दूसरों के लिए फायदा मंद बनाना बनाना, उसके अंदर टैलेंट भी है, अल्लाह ने हर एक को कोई ना कोई टैलेंट दे के भेजा है, उस टैलेंट को मारना छुपाना, उस टैलेंट की वजह से दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाना, इल्म को छुपाना। और फिर ये उस जमाने में वो यहूदी ये करते थे कि बहुत सी चीजें शरई काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो तौरात में था वो छुपाते थे, और फिर जो बाइबल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी वो छुपाते थे। तो सारी चीजें उनको जो इल्म दिया है उसको जो है वो छुपाना, यक तुमूना उसको दूसरों पे जाहिर नहीं करना। तो वो एक आल इमरान में हम पढ़ के आए थे आयत नंबर 72, और कोई निकाल सकते हैं तो निकाले, वो नसरानी क्या कहते थे एक दूसरे से उसके बारे में आल इमरान हम पढ़ के आए। 72 जल्दी निकाल सकते हैं कोई, कुरान तो सबके पास हवाले के लिए होती है। सर ये निकाला है। शाबाश जी सर। सर ये है इसमें वकालत ताइफतुम मिन अहलिल किताबी आमनू बिल्लजी उन्जिला अलल लजीन आमनू वजह नहारी वक्फुरु आखिरहु लअल्लहुम यर्जियून। क्या मतलब? यानी के उनमें से एक ग्रोह ने, अहले किताब के एक ग्रोह ने कहा कि ईमान लाओ उस चीज पर जो उतारा गया है, अललजीन आमनु जो उतारा गया है ईमान वालों पर, वजहन नहार ही सुबह के वक्त, वाकफुरूहू और कुफर कर दो उसका या इनकार कर दो, आखिरहू मतलब शाम के वक्त या दूसरे वक्त में उसका इनकार कर दो, लअल्लहुम यर्जीऊन ताकि ताकि तुम रुजू या वापस आ सको अपने यानी दीन में। लअल्लहुम है तुम लअल्लहुम जी सर, ताकि वो यर्जीऊन उसका इनकार करेंगे तो उनके जहन में ये आएगा मोमिनीन के ये अहले किताब हैं, ये ज्यादा जानते हैं, अपने इल्म की बिना पर इन्होंने इनकार किया तो वो भी पलट के फिर दीन से पलट जाएंगे। तो वो तमाम दीन में चले जाएंगे। और बकरा में भी कई जगह आया है कि वो जो यहूद थे उनके भी यही था कि बस जब महफिल में रहो तो फिर उनके ऊपर अपने आप को ईमान वाले जाहिर करो, बाहर आ जाओ तो फिर अपने जो इल्म है एक दूसरे को जो एक बाज लोग मान लेते थे उस पे एतराज करते थे। तो ये सारी चीजें यक तो मून माता हूँ अल्लाह ने इल्म दिया और उनको उस चीज को वो लोग छुपाते थे। तो ये बकल के बारे में अब इसमें कई अहादीस भी हैं कि जैसे एक है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सकी अल्लाह से करीब कुर्बत रखता है और जन्नत से कुर्बत रखता है, हर लोगों से कुर्बत रखता है, यानी वो हर दिल अजीज होता है लोगों में जो सकी होता है, जो ये तमाम चीजें जो अल्लाह ने उसको दी है दूसरों को पहुंचाता है।
तो उसके खसूसियत बताए कि उस सखावत की वजह से, बात को दूसरों तक पहुंचाने की वजह से वो अल्लाह से भी करीब होता है, बंदों से भी करीब होता है, और अल्लाह और बंदों दोनों के लिए महबूब होता है। और फिर वकील जो होता है वो दोजख दोजख से करीब होता है और जन्नत से दूर होता है, और लोगों से भी दूर होता है, लोग उससे नफरत करते हैं। और एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ही मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहिल सकी आबिद बकील से अल्लाह को ज्यादा पसंद है। आबिद जो इबादत करता है लेकिन बकील है, और जो जाहिल है और वो सकी है, तो दोनों में वो आलिम से या इबादत गुजार से ज्यादा पसंद अल्लाह को जाहिल सकी है। तो सखावत यहाँ बेशुमार आयतों में, सूरह बकरा में भी पढ़ते हैं, दूसरी जगह भी पढ़ते हैं कि सखावत क्या चीज है, सखी कैसा, बहुत सी आयतों उसको रेफर भी कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में कुछ आयतों का रेफरेंस दिया था जिसमें माल का खर्च करना का जिक्र था। ओके, शाजिया का एक उठा हुआ है, उसको ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सर, सकी बकील का क्या मतलब, क्या डेफिनेशन होगी, लाइक कहाँ किसको कहेंगे हम बकील, के जो लोगों को देने में लाइक अल्लाह की राह में खर्च करने में बुखल करता है, या मतलब किस मतलब कोई उसकी कोई डेफिनेशन के मतलब, या तो हम कहते हैं कंजूस है तो वो अपनी जात पे नहीं खर्च कर रहा वो बकील है, या अल्लाह को की राह में देने से नहीं लाइक नहीं दे रहा इसलिए वो बुखल कर रहा है। ओके 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 ओके, समझिए आपकी बात, वो तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। हर वो चीज जो आपके पास है उससे आप खुद भी फायदा उठा रहे हैं और दूसरों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये चीज जो है ये खर्च करना है, अल्लाह सुबहान व तआला के लिए उसका इस्तेमाल करना है, जो अल्लाह ने हमको सलाहियतें दी हैं, ताकत है, उसको अगर अपने लिए भी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा है, इल्म हासिल कर सकते हैं लेकिन मौके भी हैं तो भी नहीं करते हैं, तो कोई भी सलाहियत हमें मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी उससे फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो बकील कहलाते हैं। वो बकील हैं, उनके अंदर कोई सलाहियत या पैसा या कोई भी चीज अल्लाह सुबहानहु तआला ने दे रखी है, उससे वो अल्लाह के बंदों को फायदा नहीं पहुंचाते, उनके हुकूक अदा नहीं करते, तो वो बकील कहलाएंगे। और अगर खुद भी उससे फायदा उठाते हैं और दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं, चाहे कोई चीज हो, उस ऐसे लोगों को कहेंगे सखी, जो सखावत करते हैं अपने सलाहियतों से, अपने टैलेंट से, अपने पैसे से, अपनी ताकत से, दूसरों के काम भी आते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? जी सर, बस वो एक होता है फजूल खर्ची और बुखल के बीच की लाइन, वो समझ कभी भी नहीं आई सर, लेकिन सर समझ गई जी सर। हो गई, चलिए चलिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया इस दोनों ने, और बहुत फॉर्म पे आ रहे हैं, और कोई डिसहार्टन होने की बात नहीं है। वो जो दूसरे लोग काम करते हैं वो ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुआ, बरसों की मेहनत है उनकी, 10-10 साल, 11-12-13 साल से भी वो इसी क्लास में पैदा हुए, मेहनत कर रहे हैं तो उस मुकाम तक पहुंच गए। अभी आप लोग बस नए हैं, जो भी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ के उस मुकाम पे चले जाएंगे। चलिए उसी कड़े की तो आम आयत दूसरी आ रही है, हु वांट टू डू इट, जल्दी वॉलंटियर कर लें। सर मैं कर लेती हूँ। यस जी सर, नजीबा
साजदा जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुमताज म्यूट कर लो सर। मैं करूं? मुमताज म्यूट कर लो, बोला साजदा पढ़ रही है। सर फातिमा कह रही थी, उन पढ़ना चाह रही थी, लेकिन मैं पढ़ लू, मैं पढ़ लूं क्या? पढ़ लीजिए, फातिमा से दूसरी करा लेंगे। चलिए आप पहले बोलो थे शायद, मैं सुन फातिमा से दूसरी करा लें, जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुकून से, आप लोगों का फर्ज ये है कि मुझे सुनाना मकसद नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत मालूम है तो मैं उतना ख्वाहिशमंद नहीं हूँ आपके आपसे सुनने के कुछ सीखने का, बहुत ख्वाहिश है मेरे को, लेकिन उससे ज्यादा मेरी ख्वाहिश ये है कि आपके पढ़ने से दूसरे लोग जो अभी थोड़ा मुब्तदी हैं उनको 100% फायदा पहुंचे। मैं भी बहुत ख्वाहिश रखता हूँ आपसे सुनने और सीखने की, समझने की, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि आप 150 मील आंधी की रफ्तार से नहीं चले, बल्कि सुकून से कि लोग भी उसको समझें, जुमले की एनालिसिस अब वो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए लेते जाइए छोटे छोटे टुकड़े और वही तमाम आयते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ वाओ जो है यहाँ पर, ये उसी जो पीछे हुक्म आया है, अब उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, तो ये इसको हम अत भी कह सकते हैं और रब्त भी, क्योंकि पिछले वाले से जो है राबता भी है उसका, और एक नया जो है वो हुक्म भी है हमारे लिए, एक नई एक्सप्लेनेशन भी है। अल्लज़ीन युनफिकून अमवालहुम, अगर हम सिर्फ इतना लेंगे पहले, तो यहाँ पर ये अल्लज़ीना से जुमला इस्मिया खबरिया शुरू हो जाएगा, और अल्लज़ीना जो है यहाँ पर ये मुब्तदा है, और युनफिकूना अमवालहुम आगे उसका फर्दर ये चलेगा भी सेंटेंस। एक सेकंड। मुमताज और नजीबा, इन्होंने जैसे चल रहा है ना, पहले जुमला बता दिया, फिर उसकी एनालिसिस की, फिर उसका मुब्तदा और खबर, खबर की एनालिसिस की, ये तो सलसल को रखिए, है ना, जुमला बताएंगे उसमें, वो सब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट में गड़बड़ हो जा रही है, वो गड़बड़ नहीं होना। अब एक बार फिर बताइए शायद कैसे किया आपने, जुमला पहले बताया, फिर उसके दो अज्जा किया, ठीक है, फिर दो अज्जा में मुब्तदा क्या है उसकी भी तफसील आप बताएंगे शायद, उसके बाद खबर क्या है खबर की तफसील भी आप बताएंगे, तो आपका इतना टुकड़ा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। चलिए कंटिन्यू। जी सर, सर अल्लज़ीना यहाँ पर जो है कुछ खास लोगों के बारे में जो है वो बताया जा रहा है, और वो आगे रेफर कर रहा है युनफिकूना अमवालहुम, अब ये वो लोग हैं जिनके बारे में आगे खबर दी जा रही है कि वो कौन से लोग हैं। युनफिकूना से खबर शुरू हो जाती है, और अगर हम उस खबर को खोलेंगे तो खबर इटसेल्फ जो है एक खबरिया अफेलिया खबरिया जुमला है, और युनफिकूना से जो है इसमें नाफाका जो है इसका रूट वर्ड है, जिसका मतलब है उसने खर्च किया, और यू और वाओ नून जो हैं ये इसके फाइल हैं, और जो के थर्ड पर्सन प्लूरल को जो है वो शो करते हैं, तो वो खर्च, और ये मजारे है, वो खर्च करते हैं। अम वाला जो है वो युनफिकूना का मफूल भी ही है, और अमवालहुम जो है ये इटसेल्फ जो है मदाफ अलैह भी है, और मुदाफ अलैह बन के ये युनफिकूना का मफूल भी ही बन रहा है, मफूल भी ही की जगह पर, मफूल भी ही की जगह पर आ रहा है। बेहतरीन, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, कैसे अभी ये खर्च करते हैं बोले तो ये बात मुकम्मल नहीं हुई। जी सर, हाँ आगे जो है वो कि वो खर्च कर रहे हैं किस तरह का आंसर आगे आएगा, रिया अन नासी, यहाँ तक अगर हम लेंगे तो जो रिया आ है ये इसका जो रूट वर्ड है वो रा आ बनेगा, रा अलिफ और हमजा, और रिया अन नासी जो है ये मदाफ अलै बन रहा है, और ये बता रहा है कि कैसे, रिया मतलब दिखावे के लिए लोगों के, यानी के वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल लोगों को दिखावे के लिए, और
यानी कि उनका असल मकसद जो है वो अल्लाह के अहकाम को मानना या अल्लाह की रजामंदी नहीं होता, बल्कि वो लोगों को दिखाने के लिए कि लोग उनको सखी समझें और अच्छा समझें, उनका पर्पस बिहाइंड द लाइक पीछे जो है मोटिव ये होता है उसका, उनके बारे में सजदा, खबर दी जा रही है। सजदा, सजदा जी सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जुमले की एनालिसिस पहले कर दो, रिया अन्नास का मुकाम बता दो, उसके बाद जितनी तकरीर करना करो, तो एक जुमले की एनालिसिस हो जाएगी। रिया अन्नास का क्या मुकाम है इस टुकड़े में यहाँ तक? जी सर, सर रिया अन्नासी जो है वो बनेगा लोगों के दिखावे के लिए, तो ये हाल बनेगा। शाबाश, ये मैं चाहता हूँ कि आप पहले एनालिसिस कर ले रहे हैं, या तो हाल बनेगा या फिर और क्या बनेगा? या सर ये मुदाफ मुदाफ ले भी बन सकता है, रिया अन्नासी मुदाफ भी है वो। मुदाफिल जुमले का कोई पार्ट नहीं होता, वो एक मुरक्कब है, जी सर, वो फिर रिया अन्नास मुदाफ मुदाफिल बनेगा, वो सही है, लेकिन पार्ट नहीं होता सर जुमले ये का, पार्ट मफूल भी सानी भी बन रहा है उसका। या अल्लाह या अल्लाह। एक दो तीन हाथ उठे हुए हैं, लेकिन कुछ आपके पास क्या हो? कहीं तकलीफ वो चल रहा, गाने भी चल नहीं रहे। नहीं सर, एक एक अजान क्या था वो, नोटिफिकेशन, सॉरी। अच्छा अच्छा एक तो बहुत अच्छा किया आपने, हाल है, लेकिन ये हाल जुमले का एक पार्ट होता है, ग्रामेटिकल पार्ट। हाल होगा, तमीज होगा, वो जो भी होगा, मफूल होगा, फाइल होगा, कोई कलीमा एक जुमले का पार्ट होता है, लेकिन मज़ाफ जो है एक मुरक्कब मिलके उसकी जगह है कहेंगे। तो उसमें फिर आप रिया अन्नास को आप मुरक्कब की बजाय उसका पोजिशन बता रहे हैं, युनफिकुना से उसका ताल्लुक है, अमवालहुम आपने कह दिया, मफूल भी ही है, खर्च करते हैं अपने माल। अब रिया अन्नास हाल का वो 100% सही है, लेकिन और कुछ हो सकता है, तीन हाल मफूल कह बिही सकते, सानी बोल सकते हैं हम इसको, नहीं बोल सकते, तीन या अन्नासी। हाथ उठे हुए हैं। जी पहला तो यह हमारा का है, बड़ी मुश्किल से आई उन्हें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, शाबाश इसको हम मफूल लहू कहेंगे। बस, बीमार है मगर फिर इतनी एक्टिव है, माशाल्लाह। मैं समझता हूँ फातिमा भी यही बोलने के लिए हाथ उठाए थे। अच्छा, के लिए ओके जी तो आप यही बोलना चाह रहे थे ना? सर, बिल्कुल जी वेरी गुड। जी ये मफूल लहू है, जो रीजन बता रहा है, सर, वजह बता रहा है क्यों खर्च, मफूल भी नहीं हो सकता है ना, ये पूरा यहाँ तक बात हुई। अब खर्च तो करते हैं, सखी भी हैं, अब यहाँ जितनी तकरीर कर सकते हैं करिए। सर जी ये वही जो मैंने मतलब पहले वही बात थी कि उनका मकसद जो है वो अल्लाह की खुशनूदी या अल्लाह के हुक्म को मानना नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे जो अपनी सेटिस्फेक्शन ये होती है कि लोग उनको अच्छा समझें, सखी समझें, और इस तरह का जो है उनका बिहाइंड द सीन उनका पर्पस ये होता है उसका, दिखावा करना, अपनी बड़ाई शो कराना, शो ऑफ करना। ये पहली बार पढ़ रहे हैं आप अभी तक, जब से हमारी क्लास में है, या सूरह और किसी सूरह में और पढ़ के आए हैं? इवनिंग क्लास की हद तक ही बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत 19वीं पारे तक हैं। जी इवनिंग क्लास में हम पीछे दो तीन सूरते हैं कर चुके हैं, दो सूरते हैं सर, तभी और ये कर... सूरह उसमें होगा, सूरह बकरा में जहां पर इन्फाक की आयात हैं। हाँ वेरी गुड, बकरा में है, उसमें रिया उन्नास का जिक्र है, कहाँ होगा कुछ याद है? कुरान का जो तरीका है पढ़ने का, उसमें एक ये भी है कि कहीं कोई हुक्म आता है तो बिल्कुल उसको कोरे बन के, कोरे समझते हैं ना, बिल्कुल मिट्टी के घड़े होते थे जिसको इस्तेमाल नहीं करे तो कोरा कहते थे, या फिर दैट इज कोई चीज नई बात हमारे इल्म में आ रही है। तो कोई ऐसी आयत सूरह बकरा में है जिसमें रिया से रोका गया माल को खर्च करने, उसकी मिसालें भी दी गई, अगर माल को खर्च करने में रिया आ जाएगी तो वो खर्च करना कैसा है, उसकी मिसाल भी दी गई थी। कुछ ऐसा जहन में है आपके या किसी और के?
ذہن میں ایگزیکٹ تو نہیں ہے، یا ناسی یا ناسی کسی کے ذہن میں ہے سر. آیا 265 یا 266 تھی، چیک کرنا پڑے گا. 64 64 چلیے تھوڑا جلدی سے نکال لیجیے، وہی سائز دوری کر لیں گے. جی سر نکال لیجیے، جلدی کریے. بالکل پہلے پڑھ کے آئے ہیں، ریا سے کتنا روکے ہیں اللہ سبحانہ. وہ مال تو خرچ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، لیکن ریا کی وجہ سے کیسی ہو جاتی ہے؟ اس کی کیا مثال دی ہے اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. پہلی بات لا تبطلوا صدقات، یعنی کر تو رہے ہیں نیکی، لوگوں کو دے رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، لیکن اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. کیا کر کے؟ بالمنی والعزا. بالمنی یعنی احسان جتا کر، والعزا اور تکلیف. یہ کیریکٹرسٹکس آئے تھے، اس کے ساتھ پیچھے کوئی طنز کر دیا، مانگتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے، ایک طنز یا پھر کوئی تکلیف اس کو پہنچائی. آگے چلیے. کلذی ینفق المال ریاء الناس. یہ تیسری بات، مال تو دے رہے ہیں لیکن کیسے؟ کلذی ریاء الناس، اس آدمی کی طرح جو دکھاوے کے لیے کام کرتا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں. آگے چلیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر. بالکل یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے. آگے چلیے، اس میں وہی ہے. فمثله كمثل صفوان فيه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا. ویری گڈ. کیا ہے مثال؟ کیا ہے تو وہ مال کی کیسی حالت اللہ نے مثال دی تھی؟ کہ جیسے پہاڑ کی کوئی پتھر ہے، اس کے اوپر کچھ تھوڑی مٹی جمی ہوئی ہے. اب اس مٹی میں اگر ہم کوئی چیز بونا چاہیں گے تو وہ اس میں کوئی پودا نہیں اٹھے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ جیسے اس کے اوپر بارش گری. بارش کا کام کیا ہے؟ وہ زرخیزی لانا، چیزوں کو پیدا کرنا زمین میں سے. لیکن اس پہاڑ کی چوٹی پہ تھوڑی مٹی ہے، اس میں آپ کوئی چیز بو نہیں سکتے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر تھوڑی بارش ہو جائے تو وہ دھل کے صاف ہو جائے گی، ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، بتلا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ مثال دی ہے. پھر 65 بھی ایک بار پڑھ لیا. سب پڑھی ہوئی آیت ہیں، اس میں بھی پھر اور ایک مثال سے بتایا ہے کہ اگر ریا کرو گے تو جتنی کمانے کے لیے اللہ سے جو بھی یعنی نیکی کمانے کی کوشش کی ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی. تو اب ایک ایسے لوگوں کی مثال ہے. یہاں تک پورا ایک ادھورا جملہ ہے، اس کے ساتھ اور کچھ ایڈ ہوگا، لیکن یہاں تک آپ نے بہت اچھا کیا کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ان کے کیریکٹرسٹکس میں سے یہ ہے کہ وہ مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ریا الناس، ان کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے یا پھر اس کے پیچھے بکرا میں آ گئی چیز، یا نہیں ہے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کے، اس کے پیچھے طنز کر کے ان کا دل دکھا کے دیتے ہیں. تو سارا ایسی صورت میں وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ کچھ مٹی میں کوئی آدمی کوئی چیز بونے کی کوشش کیا تو ایک بارش کی ہلکی بارش سے ہی وہ سب دھل کے مٹی چلی جائے گی. تو وہ ساری چیزیں جو نیکی کے لیے کیا وہ حرت ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے. تب ان لوگوں کے کیریکٹرسٹکس مزید آگے چلیں گے. ولا یؤمن باللہ. واو جو ہے وہ یہاں پر حرف ربط ہے، لا یؤمن، اور یہاں پہ جو ہے ایک نفی کا جو ہے یؤمن ہے الہم یؤمنون یؤمنون یؤمنون، اور یہاں سے جو ہے ایک منفی جملہ شروع ہو رہا ہے. لا جو ہے یہ حرف نفی ہے، اور یؤمنون سے جو ہے یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے. یؤمنون باللہ،
और आ मा ना इसका रूट वर्ड है और या और वाओ नून जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल को शो कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनका पीछे वो लोग यानी जो के रियाकारी के लिए अपना माल जो है वो खर्च करते हैं उन लोगों की तरफ है कि एक्चुअली में वला युमिनूना वो ईमान नहीं रखते ऐसे लोग जिनका पीछे जिक्र किया बिल्लाही जार मजरूर मुतालिके आमाना और नहीं वो ईमान रखते अल्लाह पर वला बिल यौमिल आखिरी। इतने टुकड़े का मुकाम बताइए जी सर, इसमें जुमले में आयत में इस ये जो टुकड़ा है इसको हम क्या मुकाम दे सकते हैं? सर ये एक्चुअली वो जो हम पढ़ते थे सर मसनद और मसनद इलाय वाला जो है ये एक्चुअली यहाँ पर मसनद इलाय है। फिर गलत चीज ला कर डाल दिया है। बोला युमिनूना बिल्लाही सर एक्चुअली ये उन्हीं लोगों को रिफर कर रहा है जो पीछे जिनके बारे में बताया गया जो अपना माल खर्च करते हैं रियाकारी के लिए नहीं वो ईमान लाते अल्लाह पर। फिर दो हाथ उठे हुए हैं देखिए कैसे लोग बेचैन रहते हैं आपको सही करने के लिए। फिर पहला हाथ दूसरा हाथ तीसरा हाथ ये दोनों तो बोलते रहते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट है। सदफ हुसैन को आज पूछ लेते हैं। यस जी सर, अल्लाह जीना को मुब्तदा कहा था और आगे उसकी खबर तो हम इसे दूसरी खबर नंबर दो मैं यही बोलना चाह रहे थे सर अगर वाव आ रहा है तो फिर अथ बोलेंगे ना सर उसको अथ भी बोलेंगे अथ तो है ही है यूं सर मातूफ हो रहा है युनफिकुना पे मातूफ हो रहा है एक तरीका है। दूसरा तरीका आप ये भी कहेंगे कि वो ये अल्लाह जीना की दूसरी खबर है खबर नंबर टू है क्या अन्नास वला युमिनट वो तो है ही है 100% है कि ला युमिनुना अथ पे बयान है कि वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी शोहरत के लिए अपने आप को जाहिर करने के लिए दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो दोनों एक तो अथ मातूब भी है लेकिन उसके साथ साथ वही अल्लाह जीना की खबर नंबर दो भी है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन लोगों के जो माल तो खर्च करते हैं और यूमिन बिल्कुल मातूफ हो रहा है पूरा युनफिकुना वाला उम्रिया अन्नास। जी सर बिल्कुल ठीक चलिए वेरी गुड चलिए दूसरा उसके बाद का टुकड़ा वो हो गई और वला बिल यौमिल आखिरी और वाव जो है यहाँ पर हर्फ अत्फ है और ला वला और ला यहाँ पर जो युमिनूना जो है वो महजूफ है और उसी के ऊपर मातूफ हो रहा है ला युमिनूना बिल्लाही वला एक्चुअली में युमिनूना जो है वो महजूफ है वला युमिनूना बिल यौमिल आखिरी वेरी गुड यौम आखिर बिल यौम जार मजरूर मुतालिके महजूफ फेल और यौमिल आखिरी जो है ये मदाफ मदाफ अलैह है कि ना तो वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना ही यौम आखिरत पर। खरत पे अगर ईमान रखते तो कैसे खर्च करते थे सर? अगर आखिरत में खर्च करते तो अल्लाह को अल्लाह ताला की खुशनूदी को जहन में रख के करते। सीधे हाथ से देते तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती थी खर्च तो वैसा होता है लेकिन उनका मकसद क्या है लोग उनको सखी समझें लोगों को दिखा के देते हैं या फिर ईजा पहुंचा के देते हैं। तो ऐसे लोग जो दिखावे के लिए कैसा कनेक्शन है देखिए पिछली आयत से एक तरफ तो सखावत की तरफ उभराया गया उनको मोटिवेट किया गया हमको कि माल अपना खर्च करो या अपनी जो सलाहियतें हैं उसको इस्तेमाल करो लेकिन अगर उसमें दिखावा आ गया तो ना तो वो अल्लाह पे ईमान की निशानी है और ना आखिरत पे यकीन है बल्कि जो भी हम कर रहे हैं वो काम दिखावे का हो जाएगा और वो सारा उन लोगों के मुंह पे मार दिया जाएगा जो दिखावे के लिए करते हैं। बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह इतना बाकी का टुकड़ा फातिमा से करा लेंगे अगर आप कहते हैं तो। जी सर इट्स फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन। इस वास्ते के पूरी तरह बढ़िया आयत है जी करें तो सुकून हो जरा सहूलत भी हो जाएगी
तो फातह में कोई तकलीफ नहीं होगी कि मुझे से नहीं पढ़ा। चलिए फातिमा रहीम वमई युकन वमई यकुनि शैतानु लहू करीन करीन यहाँ तक लेंगे जी। और वाव जो है इसको हम रब भी कह सकते हैं, अत भी कह सकते हैं, लेकिन बात पिछली वाली जो है उसका ये आखिरी कंक्लूजन है। और इसमें फिर ये शर्तिया इंशाइया जुमला है। मन जो है वो हरफ शर्त है, शर्त जो है वो एक काना का जुमला है। काना का जुमला अगर हम लेंगे तो इसमें यकुन यकुनी में काना का जो इसम है वो याजबया हुआ है, जो रेफर कर रहा है अशैतानों को, कि शैतान जो है वो काना का इसम हो गया। पर होगी इसकी करीनन लहू जार मजरूर हु की जमीर अल्लजीना उन्हीं लोगों पे जा रही है जिनके बारे में हम था पीछे बताया गया तीन कैरेक्टर से दिए थे कि वो माल इस तरह दिखावे का खर्च करते हैं जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पे और आखरत पे। तो जार मजरूर मुतल्लिक के वर्ब महजूब फेल और करीनन जो है इसकी खबर है। आगे है फसा करीनन है। जी सर अभी नहीं, जरा इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपने फरमाया ये एक शर्तिया जुमला है और मन हर्फ शर्त है और यकुन फेल शर्त है। हाउ मेनी ऑफ यू डू यू एग्री? आई डू नॉट एग्री। क्या है फिर आपका क्या है? ये जुमले इस्मिया खबरिया है, मन जो इसमें मौसूल है उसका सिला यकुनु शैतानु है, इसमें मौसूल ओके मुब्तदा हो गया। वो देखें फातिमा, इसमें एक चीज है कि कोई शर्त नहीं है बल्कि एक कैरेक्टर बताया गया अल्लज़ीना का, अल्लज़ीना का कि वो ये करते हैं, वो जो है अल्लाह पे ईमान की निशानी नहीं है और आखिरत पे यकीन की निशानी नहीं है। तब उनका जवाब शर्त ये जवाब शर्त भी नहीं बल्कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो रखते हैं वो कौन है? मैं यकून शैतान मैं मन है हु वर्ड डज लाइक दिस, शर्त नहीं है। जो भी रिया अन्नास के लिए इन्फाक करता है और वो अल्लाह पे ईमान भी नहीं रखता और आखिरत पे भी ईमान नहीं रखता तो उन्हें कैसा है? जो भी ऐसा करता है ये उसका जवाब है कि वो क्यों कर रहा है, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा है बल्कि यकून शैतान। बाकी एनालिसिस में कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा किया। यकून शैतान, यकून हिमटा हो गया, हिमटी हो गया, शैतान उसका इस्म हो गया, काना का जुमला है तो उसकी खबर है लहू करीना, करीना के मैंने बता दीजिए कराना साथी हो गया, हम सर जो होता है साथ बैठने वाला। सर मैं सब में पूरा लेके पहले शर्त जवाब शर्त लेके फिर मैं कहती कि शायद हम मन को दोबारा मुब्तदा और खबर भी ले सकते हैं, तो सर करेक्शन होगी कि ये मुब्तदा खबर ही लेंगे, इसको हम शर्त नहीं कहेंगे। बस उसके ये वो उसका बस उसका जो ये मोटिव है जो काम कर रहा है उन्हें खर्चा कर रहा है अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहा है वो उसके ना अल्लाह पे ईमान है और ना आखिरत पे ईमान है बल्कि उसको इस काम के लिए रिया करने के लिए जो चीज मोटिवेट कर रही है, जो चीज उसे उभार रही है वो चीज क्या है? वो शैतान का साथ है और वो उसका एक साथी है, वो शैतान है। ठीक है तो उसे इसे करें सर, हम मन मुब्तदा लेंगे, मन जो है फिर वो वल्लज़ीना ही है जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं जी। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद का आखिर एक और बात यहाँ पे सर, ऐसा भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर जो शर्त है या एक जो वमई यफ अल के जो ऐसा करेगा यकुनि शैतानु लहू करीना उसका है शैतान हम सर गाबल का नहीं है ना, करेगा बल्कि नहीं है, जो कोई ऐसा करे उसका करता है उसके साथ उसका साथी शैतान है, ये अमल जो हो रहा है वो शैतान के वसवसे से हो रहा है, खर्च भी कर रहा है तो मशहूर क्यों नहीं होता, लोगों में जो है सखी क्यों नहीं कहलाता, ये वसवसा शैतानी है। ये नफ्स चाहता है कि अगर हम कोई काम करें तो उसकी वाह वाह हो, लोग हमको वसा करने वाले की तारीफ करें। वह हदीस भी कई हम इससे पहले रिपीट कर चुके हैं कि जहन्नम की इफ्तिताह होगी बुखारी कुरान से और एक
شہید سے کہ وہ حدیث بہت کئی بار ریپیٹ ہو چکی ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے ایک شہید جائے گا, تو نے اللہ کے لیے اپنی جان ضائع نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو بہادر بتانے کے لیے قاری قرآن یا پھر بہترین خیرات پڑھنے والا شہرت کے لیے کیا تھا. اور ایک تیسری چیز بھی ہے جس میں ذہن میں نہیں ہے, کسی کے ذہن میں ہے تو بول دے. بہر بہت اچھا کیا. آخری ٹکڑا فسا کرینن, اب فا جو ہے ایز اے ریزلٹ بس سببیہ لیں گے ہم اس کو. ویری گڈ. کرینن میں ایک مبتدا محذوف ہے ہوا ہے جو کہ شیطانو ہے اور یہ خبر ہے سا کرینن. اور سا جو کرینن کی سر صفت ہے سا یعنی کہ دوست برا ہے, صفت بھی لے سکتے ہیں اور بھی کچھ لے سکتے ہیں. بس صاحب بول کے رک جائیں گے تو کیا ہوگا, معنی نکل جائیں گے. صفت ایسا ہے اگر نہیں بھی بتائیں گے تو معنی نکل جاتے ہیں صفت میں. اور ایک چیز ہے اس میں, فرق یہ ہے کہ صفت اگر نہیں بھی بتائیں گے عذاب عذابن میں بھی معنی نکل جاتے ہیں. مہینہ جب وہ ہم لائے وہاں پر تو صفت ہے کہ وہ عذاب کیسا ہوگا, اگر عذاب ہوگا ان کو تو بھی معنی نکل جاتے ہیں. لیکن فسا بولے تو بہت برا. جی, بات پوری نہیں ہوئی. کرینن تمیز ہو گئی سر پھر اس کی. کیا ہو گیا؟ کرینن تمیز ہو گئی سر پھر. ویری گڈ ویری گڈ. ہے نا, یہ اس کے بغیر معنی ہی نہیں نکلتے نا کہ کیا ہے وہ, کیسا برا ہے, بہت برا ہے. بہت برا کیا ہے, ساتھی ہے, بغیر اس کے بات نامکمل ہے. عام طور پہ تمیز جو ہے وہ اذان میں پیمائش میں ہوتی ہے, لیکن ایسا جہاں پر بات مکمل نہیں ہوتی تو صفت سے زیادہ اس کو ہم کیا بولیں گے, اس کو تمیز کہتے ہیں کہ اس کے بغیر معنی. بہت برا ہے, بہت برا ہے کہ اب یہاں پر آپ بہت اچھا کیا اس کو مبتدا لے لیا ہے, ایک محذوف لے لیا ہے, اب ہوا فسان وہ بہت برا ہے, بات پوری نہیں ہو رہی ہے. اس کے لیے ہم کو صفت کی ضرورت نہیں ہے. صفت ایسی ہوتی ہے اگر وہ نہ بھی ایڈ کریں تو مطلب نکل جاتا ہے, لیکن تمیز ضروری ہوتی ہے, اس کے بغیر مطلب ہی نہیں نکلتا. وہ برا ہے, وہ برا ہے, برا کون ہے؟ قرین ساتھی برا ہے, شیطان جو ہے بہت برا ساتھی ہے. بالکل اب کلیئر ہو گیا تمیز کا اور صفت کہاں کہاں ہم نے لے کے جانے. الحمدللہ ٹھیک ہے سر. جی بہت اچھا ہے کہ ماشاء اللہ اس کو ایک بار یہاں سے انہیں ہمارے پاس سیدہ تزین اس کو ترجمہ کر دو ایک بار پورا کیا ہے. یہ پچھلی آیت کے تعلق سے وہ پچھلی تو بہت اچھا کر دیا تھا ممتاز نے, اس نے یہاں سے ترجمہ کرو کیا پڑھے ہم. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اور ترجمہ جو خرچ کرتے ہیں, اموالہم اپنا مال ان کا مال, ریاء الناسی لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یومنون باللہ اور نہیں ایمان لاتے وہ لوگ اللہ پر, ولا بالیوم الآخری اور نہ آخرت کے دن پر, وَمَنْ يَكُونِ الشَّيْطَانُ لَهُ اور وہ جو یکونو کا مطلب ہے کن مطلب ہوتے ہیں, یکونو وہ ہوتے ہیں شیطان کے کانا کی گردن پوری ہو, کانا کی مضارے ہے شیطان کے ساتھ, لہو ساتھ, قرینن قرینن دو بار ہے, قرینن ان قرینن لہو قرینن فساء قرینن ساتھی. ساتھی کون ہے ان کا ساتھی؟ شیطان ہے ان کا ساتھی. اور فساء قرینن اور لوگ اس کو ہی ساتھی رکھنا چاہتے, شیطان اس کو ہی ساتھی رکھنا چاہتے. فساء
और माने क्या है सा माने सात नहीं 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 सात का सा होता सा बुरा बुरा अच्छा वो बुरा साथी है बहुत बुरा साथी है वो हमेशा नेकियों को बर्बाद अब एक चीज इसने तर्जुमे में किया यू मिनू ना बला या मिला यू मिनू का तर्जुमा इसने क्या किया कि वो ईमान नहीं लाते हैं ग्रामेटिकली सही है लेकिन आयत के लिहाज से इसके इसके मायने सही है कोई सही तर्जुमा करेगा वो नहीं ईमान रखते अल्लाह पे वो लोग जो रिया नास के लिए दिखावे के लिए माल खर्च कर रहे हैं उनका अल्लाह पे ईमान नहीं अल्लाह के पर अगर ईमान रहता तो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते थे लेकिन वो ईमान नहीं रखते अल्लाह पे और ना आखरत पे कि इस नेकी का जो अजर है वो अल्लाह चाहे तो दुनिया में भी देंगे लेकिन दुनिया में देना जरूरी नहीं है उसको आखिरत में भी देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में एक हदीस ये भी है कि अगर मोमिन कोई नेकी करता है तो अल्लाह सुबहानहु व तआला उसका अजर आखिरत में उठा के रखते हैं उसका कई गुना बढ़ के उसको अजर मिलेगा और अगर कोई काफिर नेकी करता है तो अल्लाह सुबहानहु व तआला आदिल है उसकी नेकी को भी जाया नहीं होने देते बल्कि दुनिया में ही उसको उसका अजर दे देते हैं उसको मशहूर भी कर देते हैं उसको रिस्क भी दे देते हैं दुनिया उसको दे देते हैं लेकिन आखिरत में माखला उसका कोई हिस्सा नहीं रहता वह हदीस में भी आता है कुरान में भी आप पढ़े हैं माँ खला खलों फिल आखरा जो दुनिया में बगैर ईमान के नेकियां करते हैं उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है इज इट गुड डिड यू अंडरस्टैंड समथिंग और कुरान पढ़ने के लिए ये भी याद रखिए पिछली बार कहीं कोई चीज पढ़े हैं उसको भुला के बिल्कुल नई चीज पढ़ रहे वैसा नहीं कभी कभी पहले की चीजों को भी है ना अब हम एक रिविजन करने वाले हैं ये 43 तक की आयतें हैं और सूरह बकरा से मिला के वो क्या है काम थे उसमें भी कितना यतीमों के भी जिक्र है बेवाओं का भी जिक्र है तलाक का भी जिक्र है बकरा में और यहाँ पर भी है तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कंपैरिजन भी वो अहकाम के साथ किस तरह उसमें इजाफत हो रही है कैसे अहकाम में वजाहत आ रही है ये भी हम काम करेंगे सर जो खलाक वाली आयत है उसमें कि जो मांगते हैं सिर्फ दुनिया में हसनात उनके लिए आखिरत में कोई खलाक नहीं काफिरों के लिए भी आपको आयत मिलेगी कि वो दुनिया में जो नेकियां करते हैं उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है निकाल के उसको साथ रख के कंपेयर करके देख लेना बहुत अच्छी चीज है चलिए उसके बाद बोथ ऑफ यू डिड अ गुड जॉब कमान इसके बाद आयत भी कर सकते हैं काफी टाइम भी है अभी चलिए हु वांट्स टू टू मैं ले लूं हाँ ले लो और क्या है भी या फिर आदि ले लेके आदि सदफ को दो बहुत दिन से पढ़े नहीं है बेचारे तो खैर बहुत अच्छा पहले तुम बोले ले लो अच्छा नहीं अगर सदफ भाभी को दे रहे तो आप कोई मसला नहीं नहीं तुम आदि कर लो उसके बाद मैं सदफ को देंगे चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वमा जा अलैहिम यहाँ तक एक छोटा टुकड़ा ले लेंगे और बात तो ये हर्फ रब्त हुआ यहाँ से एक दूसरी बात शुरू हो रही और माजा अलैहिम ये एक जुमले इंशाइया ताज्जुबिया बोलेंगे इसको वेरी गुड ताज्जुबिया इस्तेफामिया इस्तेफामिया ताज्जुबिया इस्तेफामिया दोनों मिला के बोल सकते हैं एक क्या बात है उनके उनके ताल्लुक से क्या वजह है यार है ना कुरान में बहुत जगह ऐसा इस्तेमाल हुआ है ताज्जुब और इस्तेफाम सवाल बोलता ऐसा सवाल नहीं है कि उसके जवाब की जरूरत है बल्कि अल्लाह सुबहानहु ताला ताज्जुब कर रहे हैं कि
सीधी सी बात है, अल्लाह पे ईमान लाओ तो नहीं ईमान लाते, लेकिन बस नेकियां करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि वो बिल्कुल गुनाहगार है या नेकोकार है। हर एक के अंदर कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, नेकियां भी करता है, बुराइयां भी होती हैं। तो फिर ईमान ला के अगर वही नेकी करेंगे तो उसका अजर यहाँ पर भी दुनिया में भी मिलेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आखिरत असल चीज है जहाँ पर उसका इनाम कई गुना बढ़ा के मिलेगा। तो इसको दोनों कह सकते हैं मिला के, इस्तेफामियत जो भी आ। माँ जो है वो क्वेश्चन के लिए है, क्या माँ जा बोले तो क्या मुसीबत क्या आफत है? लेकिन आफत वगैरह कुछ भी नहीं है। हाउ इज इट के मैंने ये कैसे है जी, माजा अलैहिम जो है ये मुरक्कब जारी है के एक ताज्जुब हाउ इट इज हाउ इज इट के उसका फिर आगे जो है लौ आमनु बिल्लाह, लौ आमनु लौ को जो है ये शर्तिया बोलेंगे बिल्कुल या क्या बोलेंगे उसको लौ क्या है लौ जो है अगर उसका अगर तो माने है भाई ग्रामर के लिहाज से क्या मुकाम है वो हर्फ शर्त तो मुझे बात और क्या है फिर हर्फ शर्त बोलेंगे उसको फिर आमन हर्फ क्या मुकाम है वो फेल शर्त हो गया खत्म और क्या है जी और बिल्ला ही ये मुरक्कबे जारी है तो ये हुआ मुतालिके आमनु मुतालिके आमनु हो गया मुतालिके आमनु जी हो गया वो इंटरनेट जी नहीं नहीं आ रहा बिल्कुल आ रही आवाज चलो जी 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 तो ये एक शर्त हुई कि अगर वो ईमान ले आते अल्लाह पर तो ताज्जुब से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या हाउज इट के जो है इन पर अगर वो अल्लाह पे ईमान लाते आगे बोलिए वा जो है ये हर्फ अत्फ है और बल्कि अत्फ और बिल्लाही मातूफोरा यौमिल आखिरी मातूफोरा बिल्लाही पे और यहाँ पे फिर आमनु जो है कॉमन ले सकते क्या बन गया यौमिल आखिर जो है वो मुरक्कब इजाफी बन गया तो ये दो चीजें क्या है शर्त है नहीं ये काम तो नेकी का कर रहे हैं न खर्च कर रहे हैं सखावत दिखा रहे हैं लेकिन अगर ये हम नाश के लिए कर रहे हैं तो वो सब बातिल हो गया सब जो है हबतत हो गया जाए हो गया तो उसके लिए वही काम अल्लाह पे ईमान और आखिरत पे ईमान रख के करते हैं तो फिर उसमें रिया को आने नहीं देते बल्कि सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते और आखिरत को ज़हन में रख के करते करते तो क्या होता था वो क्या है उसके बाद क्या है कनेक्शन उसके बाद सर कुछ कह सकती सर अल यौम अल आखिर के बारे में सर उनका मुरक्कब इज़ाफ़ी है लेकिन अल यौम आ रहा है तो हम इसको मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं लेंगे बल्कि अल यौम की सिफत कहेंगे आखिरी को क्योंकि आलिफ लाम से वो नहीं होता सर मज़ाफ़ नहीं होता मज़ाफ़ नहीं होता तो उसमें अल यौम नहीं आता अल यौम फिर ये भी हो सकता है कि मुब्तदा और उसके खबर हो या फिर बहुत अच्छा पॉइंट है चलिए मुज़ाफ़ इज़ाफ़ वो अल आखिरी आ रहा ना वो अल यौम अल आखिरी लेकिन यौम में अल नहीं हो मज़ाफ़ अल नहीं आ अच्छा पॉइंट है आगे का टुकड़े को मिलाओ
وانفقوا مما رزقهم الله, तो वह जो है फिर ये हर्फ अतफ हुआ, तो पिछली पूरे अतफ बयानिया ही बोल देंगे इसको, क्योंकि कोई एक टुकड़ा मातूफ नहीं हो रहा. तो जब वो ईमान लाते अल्लाह पे और वो खर्च करते, उसके बाद खर्च करे अल्लाह पे ईमान लाने के बाद, मिम्मा एक कॉन्ट्रैक्शन है, रज़ाखा हुम जो है ये दिया अल्लाह ने उन्हें, अल्लाहु जो है रज़ाखा इसका रूट वर्ड है, रज़ाखा हुम जो है फिर ये फेल और मफूल मुकदम है इसमें, और अल्लाहु जो है फाइल है उसका, वो रिस्क दिया उन्हें. नहीं नहीं, व्हाट इज द लिंक बिटवीन 39 एंड 38? 38 तो अभी हम बहुत अच्छा तफसील से समझे कुछ लोगों का, वो वल्लजीना युनफिकून अमवालहुम रिया नासी है, ईमान रखते हैं अल्लाह पे ना यौमे आखिरत पे, यौमे आखिरत. यहाँ पे जो है वो इसका कॉन्ट्रास्ट है, दूसरा सिचुएशन है जब अल्लाह पे ईमान रखो और यौमे आखिरत पे ईमान रखो, रखो रखे रखे बाद जब खर्च करे तो उसका फिर वो है खर्च करते है ना, अगर क्या हो गया हमको, काश या फिर वो एक उनसे उम्मीद की जा रही है, शर्त रखी जा रही है कि यही काम जो कर रहे हैं अल्लाह पे ईमान और आखिरत पे ईमान रखे, वानफिखु मिम्मा रज़क़हुम अल्लाह, और जो कुछ उनके जो भी है पूरा पिछली आयत में पढ़ के आए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो अल्लाह ने दे रखी हैं, सलाहियतें हैं, इल्म है या फिर दौलत है, उसमें से अगर वो खर्च करते हैं तो फिर उसका आखिरी टुकड़ा सदफ आप कर लीजिए, इसको आपसे वादा कर रहे थे, बहुत आसान है. जी सर, मैं ये पढ़ लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वकान अल्लाहु बिहिम अलीम, यहाँ तक यहाँ पे है ये वाव और के लिए आएगा, काना से जो है ये काना शुरू हो रहा है, कान अल्लाहु काना में है इसका इसम छुपा हुआ हुआ, और जो के बाहर होगा अल्लाह, यानी के इसमें काना हो गया वो फिर, और इसकी खबर है आगे वो है अलीमा. तो बेहिम को हम करेंगे जार मजरूर मुतल्लिक के फेल से होता है चूंकि, तो हम कहेंगे फिर काना मुतल्लिक के काना जुमले में है, उसकी खबर है तो आप ऐसे पूरे लेंगे बेहिम अलीमा काना की. अच्छा, इसे अलहदा नहीं करेंगे, खबर पूरी होगी बेहिम अलीमा, ये पूरी इसकी खबर, पूरी खबर होगी कि वो अगर ऐसा करते तो अल्लाह सुबहानहु तआला नियतों को जानते हैं कि किस नियत से वो खर्च कर रहे हैं, उसका फायदा उनको मिलता दुनिया में और खास तौर से आखिरत में. लेकिन बजाय रिया अन्नास के, अगर काश वो अल्लाह पे ईमान लाते और आखिरत पे ईमान लाते और उसके बाद खर्च करते जो कुछ भी उनको सलाहियतें या इल्म या दौलत मिली है, तो अल्लाह सुबहानहु ताला के इल्म में ही बात रहती. अल्लाह सुबहानहु ताला दिलों का भेद जानते हैं, नियतों को देखते हैं, ज़ाहरी अमल को नहीं देखते, और इंसान जो होते हैं वो ज़ाहरी अमल को देखते हैं दूसरों के. ये तमाम आयतें चल रही थी कि एक दूसरे से मिलती हुई, ऊपर की आयत में आया था कि बुखल के ताल्लुक से जो ऐसा करते हैं उनके लिए अज़ाब अलीम है, फिर उसके बाद की आयत में आया था कि एक तो लोगों को दिखाने के लिए बगैर अल्लाह पे ईमान रखे के आखिरत पे रखे के वो शैतान के बहकावे में आके ये काम करते हैं, फिर तीसरी आयत में ये बताया गया कि वो चाहे अहले किताब हों, ये बहुत मुमकिन है, ये तो मदनी सूरत है, मुमकिन है कहीं हवाला उन काफिरों की तरफ मुशरिकीन की तरफ भी हो, के बजाय अपने देवी देवताओं को खुश करने के, या फिर अहले किताब की तरफ भी हो सकता है. मुफस्सिरीन कभी ऐसे भी उसको जोड़ते हैं कि यूं तो मदनी है लेकिन इशारा किसी की तरफ भी हो सकता है, आज भी जो लोग हैं उनकी तरफ हो सकता है, कि जो भी हम नेकी करते हैं वो सिर्फ
अल्लाह और आखिरत पे ईमान रख के सुनने की को करें तो अल्लाह सुभान व तआला के इल्म में हमारी नियत है, जाहरी अमल नहीं है। जिद के लिए तीन आयतें हम कर सके, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने। इज देयर एनी क्वेश्चन ऑन इट? कंक्लूजन है 40 में, वो भी हम कर सकते हैं नहीं कर सकते? कितनी देर बाकी? 2 मिनट है हमारे पास, इसको शुरू करके बीच में छोड़ेंगे या खत्म कर देंगे? What do you say? बोलो भाई। सर नया दिन नई आया है सर, नहीं टाइम पे कर देंगे, इसलिए के कंक्लूजन है। ये 2-3 आयतों का रिवीजन कर लीजिए तो उसके बाद इसका कंक्लूजन, पिछली आयत से इसका ज्यादा ताल्लुक है, उससे पहले के आयतों पे भी उसका ताल्लुक है कि अल्लाह सुबहानहु तआला अल आदिल हैं, वो किसी पे जुल्म नहीं करते, जैसी नियत से जो काम करेंगे उसका पूरा पूरा बदला या उससे कई गुना बढ़ के भी नेकी का बदला देते हैं। कोई इसमें कई 4-5 अहादीस हम सीखेंगे कि इस आयत में जो जिक्र आया है कि कितने गुना बढ़ा के दे सकते हैं, अहादीस में जिक्र है। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो फिर टाइम भी हो गया इंशाल्लाह। चलिए, आर यू एंजॉयिंग द कंटेंट? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दीजिए, हमारे दिलों को आपके कलाम से जोड़ दीजिए, इसका पढ़ना समझना अमल करना हमारे लिए आसान बना दीजिए। हम सबको इसका अजर इस दुनिया में भी और आखिरत में अता फरमाइए, इस काम को कबूल और मंजूर फरमाइए। हमारे अंदर रिया आने की से हमको रोकिए, हम सिर्फ आपके लिए कोई अमल करें, कुरान सीखें या जो भी अमल करें, हमारी नियत सिर्फ आपकी खुशनुदी हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।